हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? ये हमारे हस्बैंड हैं, इनसे मिलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, सालू साहनी पे। और दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और तो दोस्तों, हमारे सालू साहनी पे शायद वीडियो नहीं आ रहा है, जो कि सब गलती हमारे हस्बैंड का है। हमारे हस्बैंड बहुत ही खराब हो चुके हैं। देखिए, हमको मारे हैं। कहाँ मारे? मारे ना है ना ही चमचस में बनाते, देखो मारे ना। दोस्तों मार दिए हैं ना से, और देखिए इनको भी हम मारे हैं। दोस्तों देखिए हमको किस तरह मारी है, कितना खून निकल रहा था इसमें से। तो हमारे ना काम करवा के ना। तो दोस्तों बताइएगा, गोरखनाथ मंदिर कौन कौन मेला देखने आ रहे हैं? हम भी आएंगे। अब जाएंगे हम सनम को लेके जाएंगे। सनम जाएंगे मेला देखने? जाऊ कर रुपये लेके? एक रुपया दोस्तों, सनम एक रुपया लेके जाएंगे। दस रुपया मेरी तरफ से, ग्यारह रुपया भाई। दोस्तों हम एक बात बताते हैं, जब हम अपने मामा के यहाँ रहते थे, मेला देखने जाते थे, बहुत मशहूर है वहाँ भी मेला लगता है तब? तो हमारे सब मौसी हमको 50-50, 100-100 रुपया देती। हम सनम को देंगे 50 पैसा। आज हम बता रहे हैं मेला को लेकर एक बहुत ही बड़ी दुख भरी, दर्द भरी कहानी है, जो हकीकत है, मतलब हमारे जो हमारे जिंदगी में हुआ है वो चीज। दोस्तों जब हम लोग छोटे छोटे थे, मतलब काफ़ी छोटे थे, तो वहाँ मेला लगता था मनसापुर का, तो बहुत ही मशहूर है। तो सभी लोग, जैसे गांव के सभी बच्चे, बहुत ही घर से सब लोग बने चुने थे। हम लोग बहुत ही गरीब थे, और हम जब से लगभग 12 साल के थे, फिर भी हम लोग चड्डी पहन के टहलते थे। बहुत ही कष्ट करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर भी समझ लीजिए हम अपने घर वालों को धोखा दिए हैं ना जी। हम बहुत बड़ मनाई घर से थे, बड़ मनाई क्यों जी? लाला हम बड़ मनाई के घर से थे। और दोस्तों जब मेला देखने की बात आती थी, तो घर से हमको सिर्फ 10 रुपये मिलता था, और वही हमारे बगल में जो हमारे दोस्त रहते थे, उनको घर से 100-50 रुपये मिलता था। और आज से 12 साल पहले 10 रुपये का महत्व बहुत कुछ था, और बहुत ही माने था 10 रुपये। अब तो 10 रुपये चाहे जहाँ जाओ, बस एक कुरकुरे खाओ, बस खत्म। पहले तो 10 रुपये में बहुत कुछ खा लेते। बहुत ही बड़मनाई घर से थे, हमारे पापा बहुत अमीर थे। सही बताइएगा, पता नहीं इनके पापा अमीर थे कि नहीं थे, लेकिन हम लोग बहुत गरीब थे। लेकिन इस समय सालू के पापा गरीब हैं, हम लोग अमीर हैं। दोस्तों बताइए, इनके जब इनके पप्पा थे अकेले तो गरीब थे, तो हमारे घर सब कोई ढेर लोग थे, सब बढ़ रहे थे। अब हमारे पप्पा अकेले हो चुके हैं, तो गरीब हो चुके हैं। इनके घर 7-8 लोग हैं, और सब कमाने वाले हैं, तो ये लोग बढ़ नहीं रहेंगे ना। दोस्तों मतलब हमारे घर बिजनेस चलता है, इनके घर बिजनेस चलता है, बिजनेस हमारे घर बिजनेस नहीं चलता है। मतलब जो धान, इनके घर धनकुट्टी मशीन है, धान काटने वाला मशीन है, भूसा बनाने वाला मशीन है, गन्ना बैठाने वाला मशीन, सब कुछ का मशीन है। रोटोवेटर है, सालू का खेत जोतते हैं, पैसा मिलता है। इनका धान दबाने के लिए जाते हैं, पैसा देती हैं इनके मम्मी। पहले जाते थे, अब नहीं जाते। चले दोस्तों, बाय बाय। कहाँ जाते हैं?